What's up, lovely people, and it's Brijesh here, back with another vlog. So, आज के ब्लॉग में, आज वैसे मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ वापस से, बिकॉज बीच में कोई कंटेंट नहीं था. एंड एज मैंने कहा था कि जब भी मेरे पास कुछ कंटेंट आएगा या मुझे कैमरे से बात करने की इच्छा होगी तो आई जस्ट व्लॉग इट फॉर यू गाइज. सो आज मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टूडियो मॉनिटर्स है, राइट? इन्हें स्टूडियो मॉनिटर्स कहा जाता है. एंड दीज आर द स्पीकर्स जिनकी फ्रिक्वेंसी एकदम फ्लैट होती है, मतलब वो किसी भी साउंड को एम्फेसिस नहीं करते, ना ही बेस मिडल ट्रेबल को, वो फ्लैट रखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम जब गाना रिकॉर्ड करके मिक्स करते हैं तो वो एकदम प्रॉपर साउंड करता है. या कैसे समझाऊं मैं आपको, लाइक फॉर मिक्सिंग आपको सारी फ्रिक्वेंसीज फ्लैट चाहिए. अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, या तो वेट फॉर द लेसन दैट आई क्रिएट ऑन रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग. सो ये स्पीकर जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं है, ये सीधा नीचे डेस्क पे पड़े हुए हैं. जो पीछे आवाज़ आ रही है दैट इज़ फ्रॉम द वॉशिंग मशीन. सो इसके लिए ये आइसोलेशन पैड्स आते हैं, तो मैं अमेजोन पे जाके सर्च किया अबाउट द आइसोलेशन पैड्स, और वो 3000 अ पैर और 3000 अ सिंगल पीस फॉर अ फोम. सो मैंने सोचा कि फोम मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा, तो खुद क्यों ना बनाए. सो आज हम DIY करने वाले द आइसोलेशन पैड्स फॉर द स्टूडियो और द स्पीकर फॉर द स्टूडियो मॉनिटर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओह, अ लॉट ऑफ फोम. ओह, कितना सारा फोम है, देखो. दैट्स व्हाई आई थॉट के अब हम खुद ही बनाएंगे. लॉट ऑफ फोम. दिस इज अ लिटिल डॉक और द चार्जिंग स्टेशन दैट आई कॉल, जिसमें मैं सारे प्लग करके रखता हूँ मेरे डिवाइसेस, और वो एक साथ चार्ज हो पाते. सो दिस इज द फोम. सो मेरे पास दो डेंसिटी के फोम थे. वन वॉज दिस, एज यू कैन सी थोड़ा सा प्रेस हो रहा है, एंड द अदर वॉज दिस वन, जो और थोड़ा हार्ड है, एज यू कैन सी. ठीक है. सो ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा था, सो आई यूज दिस येलो वन, बिकॉज ये ऑलरेडी एक लंबी शीट के फॉर्म में था. सो आई कट टू पीसेस. This is the first one and this is the second one. And I used this little Rampuri guy to cut the foam into two pieces. अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम sharp edge नहीं मिला है, so इसके लिए भी मैं कुछ जुगाड़ करूँगा. इस वाले में है because वो पहले से pre-cut था एक side से, जैसे आप देख सकते हैं ये side पर, and ये side पर थोड़ा फिर भी स्कफी है. So now what I'm going to do is I'm going to use a spray paint to paint them black. So this is how far I have got. अभी मेरा ख़त्म हो गया स्प्रे पेंट. दो साइड हुई है और दो तीन साइड हो गई है, वैसे तीन साइड हो गई है एंड एक साइड बाकी रह गई इसमें, और दूसरे वाले में दो साइडें बाकी रह गई. सो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये एक स्टिकर पड़ा है मेरे पास एक ब्लैक कलर का, सो साइड्स पे आई विल पुट दिस स्टिकर. यस, इट इज़ अ मेस, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो अपेरेंटली द थिंग इज कि लास्ट में जब कलर ख़त्म हो गया, सो I sticked the sticker as I told you around that, but फिर भी जो साइड रह गई थी तो उसको मैंने ये पेस्टर कलर से फिल आउट किया, ताकि जो भी साइड रह गई थी वहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर सकूँ. सो आई यूज दिस एंड आई क्रिएटेड अ मेस. ये कलर नीचे लग गया, अब मुझे पूरा साफ करना है. अपेरेंटली वो बन चुके हैं, वो थोड़े से सूख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं. ये देखो, यहाँ पर जो एज आ गया था, सो आई फिल्ड इट विद कलर. सो अगर सामने से हम देखेंगे तो इट लुक्स नीट, राइट? It looks neat overall. A good outcome, I guess. नीचे से तो देखने नहीं वाले हम, सो नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कलर का है. सो दैट लुक्स लाइक दैट एंड दिस वन. ये देखो, ये पीछे का पूरा मैंने कलर जो है ये पेस्टल कलर से किया है. लुक्स नाइस. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बना है. सो इसका काम तो हो गया है अब थोड़ा थोड़ा, बट नाउ अब 3:30 बज गए, सो आई हैव टू गो टू टेक द गिटार क्लास, जहाँ पे मैं गिटार सिखाने जाता हूँ, दैट इज़ लिटिल मिलेनियम स्कूल. सो वहाँ पे मैं जाऊँगा गिटार सिखाने, वहाँ से आने के बाद आई विल क्लीन अप दिस मेस और फिर इसको लगा के देखेंगे एंड सी हाउ इट वर्क्स. ओके, सो इट्स टोटली बहुत लेट हो चुका है अभी, इट्स ऑलमोस्ट 11:30. बीच के पूरा दिन इतना फास्ट गया, लाइक मैं आया वहाँ से गिटार सिखाने के बाद,
एंड आई हैड टू वर्क ऑन द सॉन्ग जो कि आप ऑलरेडी शायद देख चुके हैं, जो कि आउट हो चुका है ऑन 3rd of August, दैट इज तारी मारी यारी। अपनी ये मस्त मौला लगारी तारी मारी यारी। सो उसके काम में मैं लग गया था, आई हैड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग और थोड़े से पोस्टर वगैरह बनाने थे फॉर 1 day to go, 2 day to go एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम चला गया एंड इट्स ऑलमोस्ट 11:40। सो मैंने मेरे पैड्स का काम तो पूरा कर दिया था लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं किया है, अभी भी स्पीकर वैसे ही है एंड ये रहे नीचे से याद रहने दिया, कौन देखने वाला नीचे से, अब आप लोगों ने देख लिया मेरे बाल पूरे। सो नीचे से मैंने येलो ही रहने दिया एंड बाकी की साइड्स मैंने पूरी टेप कर दी है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ओह कहाँ जा रहा है कैमरा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटपुट जो मुझे मिला है इसके साथ। सो या सो इसको मैं कल इंस्टॉल करूँगा इसके नीचे एंड मैं पहले भी एक बार रख के देख चुका हूँ उनको कलर करने से पहले कि उनकी वजह से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। एंड सॉरी मैंने ये पूरा रिकॉर्ड विद फ़ैन कर दिया एंड अब मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं वापस से करूँ फ़ैन बंद करने के बाद। सो आई गेस ऑडियो ठीक ठाक ही था। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर।